हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। सो आज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या बेस्ट पॉसिबल वेज हैं जिनसे हम सोल्स को फॉर्म या सोल फॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो गेम अभी अभी स्टार्ट किए हैं खेलना, तो उनके लिए है। देखिए, आप दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो ज़्यादा समय देते हैं गेम में, और एक वो लोग हैं जो कम समय देते हैं या कम समय देना चाहते हैं। तो दोनों ही तरीके से जो है सोल्स फॉर्म किया जा सकता है। हाँ, जो कम समय देगा वो थोड़ा कम सोल फॉर्म करेगा, और जो ज़्यादा समय देगा उसकी सोल फॉर्मिंग ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं वीडियो में। तो देखिए, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है क्विस्ट मोड। तो आप देख सकते हैं क्विस्ट मोड क्या है। तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका। तो मैं पहले बताऊंगा जो कम समय देना चाहते हैं। तो जो लोग कम समय देना चाहते हैं वो क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप 8 आवर्स का जो क्विस्ट होता है, जैसे स्ट्राइक फास्ट है, मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी है, और इसमें आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आई थिंक 14 सोल्स मिलता है। इसमें 21 दिया है, लेकिन आपको मिलता है 14 सोल्स मिलता है। जब भी आपका क्विस्ट कंप्लीट होगा आपको 14 सोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप दो क्विस्ट आप 8 आवर्स के खेल लो, ठीक है। और आप दिन भर में इसे 2 बार रीस्टार्ट तो कर ही सकते हो। जैसे एक बार लगाया और ये इसका ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, रिवॉर्ड कलेक्ट किया और फिर से इसे रीस्टार्ट कर दिया नेक्स्ट जो है ड्यूरेशन के लिए, और उसके बाद फिर से उसके रिवॉर्ड कलेक्ट किया। तो एटलीस्ट 2 बार कर सकते हो। तो आपको हर एक क्विस्ट से 28 सोल्स मिलेंगे। एक बार 14 सोल्स मिलेगा, फिर एक बार 14 सोल्स मिलेगा। तो आप दो एक से लगा लो, एक स्ट्राइक फास्ट लगा लो मीडियम लेवल का, और एक लगा लो आप एक लगा लो कोल्ड ब्लडेड, इसमें भी आपको 14 सोल्स मिलेंगे। तो दो ये लगा लिया आपने, ठीक है। तो 28 28 हो गया आपका, ठीक है, 56। तो 56 सोल्स ये हो गए। उसके बाद दिन भर का ये हो गया 56 सोल्स। प्लस इसमें आपको देखिए समय कितना लगना है, एक बार आपको लगाना है, क्विस्ट चालू करना है, फिर गेम को बंद कर देना है, फिर आपको 8 घंटे बाद फिर से खोलना है और रिवॉर्ड कलेक्ट करना है, और फिर से जो है इसको रीस्टार्ट कर देना है। फिर जब आपका कंप्लीट होगा क्विस्ट, तो फिर आपको रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो तीसरा क्विस्ट है, आखिरी जो क्विस्ट है, क्योंकि आप एक बार में 3 क्विस्ट खेल सकते हो, तो तीसरा जो क्विस्ट आपको लगाना है वो आप लगा लो ये स्ट्राइक फर्स्ट। स्ट्राइक फर्स्ट जो है एक दिन का क्विस्ट होता है, 1 डे क्विस्ट होता है ये, और इसमें आपको 25 सोल्स मिलते हैं। तो ये आपका 25 सोल्स हो गया। तो यानी आपको टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 81 सोल्स सिर्फ क्विस्ट से मिल रहा है आपको। 81 सोल्स आपको किससे मिल रहा है, क्विस्ट से मिल रहा है। और प्लस आप काम कर सकते हो कि 81 सोल्स आपको पर डे आपको क्विस्ट से मिल रहा है। उसके बाद आप काम कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है, फ्री सोल्स। यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो, देखो एड वॉच एड लिखा है ना, इसमें आप जो है वीडियोस देख सकते हो। तो हर एक वीडियो देखने के 5 सोल्स मिलते हैं, तो आप 5 वीडियो पर डे देख सकते हो। तो टोटल आपको 25 सोल्स यहाँ मिलेंगे। तो 81 सोल्स वो और 25 सोल्स ये, टोटल हो गया आपका 106 सोल्स आई थिंक, है ना। तो 106 सोल्स मिल हो जाएंगे, तो 106 सोल्स आपको पर डे मिलेंगे भाई। पर डे आपको 106 सोल्स मिलेंगे बिना कुछ किए, कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा समय नहीं देना है। बहुत मैक्स टू मैक्स आपको समय देना है 10 मिनट का गेम में, ओवरऑल दिन भर में 10 मिनट, और आपको 106 सोल्स पर डे आपको मिलेंगे। प्लस अब
बात करते हैं उन लोगों की जो लोग समय ज़्यादा देना चाहते हैं। अच्छा मैं बता दूं कि जो लोग कम समय देना चाहते हैं उनके लिए आप लोग पर डे 106 सोल्स कलेक्ट करोगे, तो यानी ये आपका महीने भर का कितना हो गया, ये महीने भर का हो जाएगा 3180, 3180 सोल्स हो जाएंगे महीने भर में, मतलब बिना कुछ किया है ना, महीने भर में आपका 3180 सोल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए ये हो गया, अब हम बात करते हैं उनकी जो ज़्यादा समय दे सकते हैं गेम में। अब जाहिर सी बात है यार, ज़्यादा समय दोगे तो ज़्यादा सोल्स कलेक्ट करोगे, तो इसमें अब आप क्या कर सकते हो, कैसे ज़्यादा समय दे सकते हो। तो यार जो ज़्यादा खेलने वाले हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप 1 आवर का क्विस्ट खेलो, आप 1 आवर, जैसे मैं ऑलरेडी खेल रहा हूँ, तो एक है क्योस अनबाउंड, ये 1 घंटे का क्विस्ट होता है, इसमें आपको, ये मीडियम लेवल का है इसलिए आपको इसमें सोल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसे जैसे लेवल का खेलोगे, लो से मीडियम खेलोगे तो ज़्यादा सोल्स मिलेंगे, मीडियम से हार्ड खेलोगे तो और भी ज़्यादा सोल्स मिलेंगे, बसरते क्या होता है कि वो ऐसा आपका करेक्टर होना चाहिए। तो आप क्योस अनबाउंड में खेल लो, यहाँ पे आपको 8 सोल्स मिलेंगे 1 घंटे में, हर 1 घंटे में, और साथ ही साथ 1 घंटे का एक लो वाला खेल लो। ठीक है, तो एक आप लो वाला क्विस्ट खेल लो 1 घंटे का, इसमें आपको 3 सोल्स मिलते हैं भाई, 1 घंटे में 3 सोल्स मिलेंगे। तो आपका ये देखिए कि पर घंटे आप 11 सोल्स कमा रहे हो, पर घंटे 11 सोल्स कमा रहे हो। उसके बाद आप इस क्विस्ट को 10 या 12 बार भी, 12 बार मान लीजिए, एटलीस्ट 12 बार उसको रिवॉर्ड तो कलेक्ट कर ही सकते हो, 12 टाइम्स रिवॉर्ड तो कलेक्ट कर सकते हो। तो 11 × 12 कर लो, तो यार कितना हो जाएगा, तो यार ये हो जाएगा 132, 132 सोल्स जो है आप एक दिन में 1-1 घंटे वाले क्विस्ट से कमा रहे हो। प्लस आप जो एक क्विस्ट आप वही वाला 1 दिन वाला आप खेलो स्ट्राइक फर्स्ट, जिसमें आपको 25 सोल्स मिलेंगे, तो 132 में 25 सोल्स आपको और मिल जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 157 सोल्स। 157 सोल्स जो है आप सिर्फ क्विस्ट से कमा रहे हो, सिर्फ क्विस्ट से। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ऑनलाइन वीडियो से आपके पास ऑप्शन है और डेली मिशंस के ऑप्शंस हैं, तो आप ये कर सकते हो कि इसमें मान लीजिए ऑनलाइन वीडियोस आपको 25 वीडियोस एक दिन में, 25 सोल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 5 वीडियोस ए पर वीडियोस 5 सोल्स आपको मिलते हैं, तो 5 वीडियो के टोटल 25 सोल्स मिलेंगे, तो 25 सोल्स वो मिलेंगे। और डेली मिशन में आप ज़्यादा ज़्यादा सोल्स कमा सकते हो, जैसे कि डेली मिशंस आपके ये हैं ऑब्जेक्टिव आपके, तो आप यहाँ से देखिए कुछ कमा सकते हो, लॉगिन करने के आपको 6 सोल्स मिल जाएंगे, और थोड़े बहुत आप बैटल मोड खेल लोगे तो उसमें आपको कुछ मिल जाएंगे सोल्स, है ना, कुछ फैक्शन वॉर 1-2 खेल लो, है ना, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 सोल्स जो यहाँ मिल जाएंगे, तो टोटल आपके हो गए 35 सोल्स। तो 157 सोल्स हमने वहाँ काउंट किया था क्विस्ट से, और ये 35 सोल्स ही है, तो टोटल हो जाएगा 192 सोल्स। यानी दोस्तों अगर आप ज़्यादा समय दोगे गेम में, तो आप एक दिन में आराम से बिना किसी दिक्कत के 192 सोल्स कमा लोगे। और प्लस जो आप फैक्शन वॉर खेलते हो और उसमें जो आपको रिवॉर्ड मिलता है हर तीसरे दिन पे, वहाँ पे अगर आप 30 से 40 या 45 या 50 सोल्स कमाते हो, वो अलग मिनिमम बता रहा हूँ, तो वहाँ वो उसको अलग काउंट, उसको मैंने काउंट ही नहीं किया है,
वो 40-45 सोल्स को उसको मैंने काउंट ही नहीं किया है फैक्शन वॉर के, मैं पर डे की बात कर रहा हूँ। तो आप पर डे 192 सोल्स कमाओगे जो ज़्यादा समय देंगे, और जो थोड़ा कम समय देना चाहते हैं वो पर डे 106 सोल्स कमाओगे। तो भाई अब खुद ही काउंट कर लो, 192 सोल्स महीने भर में कितने हो जाएंगे। तो यानी यार आप एक दिन पूरे महीने भर में आप 4,860 सोल्स कमा लोगे, ठीक है, महीने भर में, जो ज़्यादा समय देगा। और जो कम समय देगा उसका 2,430 सोल्स, सॉरी 2,400 नहीं, 3,180 सोल्स महीने भर में। तो यार आप बहुत ही इजीली जो है सोल्स को फॉर्म कर सकते हो। अभी मैं अपना, आप मेरा सोल्स देख सकते हो, 744 है, और ये कल 520 था, आज 744 है, लगभग 200 सोल्स बढ़ गए। और अभी मेरा फैक्शन वॉर कंप्लीट नहीं हुआ है, फैक्शन वॉर अभी चल रहा है, अभी एक दिन बाकी है, देख सकते हो आप। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे 200 सोल्स बहुत ही इजीली पर डे गेन हो गया, बहुत ही इजीली, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। अभी फैक्शन वॉर के सोल्स अभी मिलने बाकी है, जो शायद मुझे 40 या 45 सोल्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो यार आज के लिए वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, आपको आइडिया लगा होगा। तो जो कम खेलना चाहते हैं वो भी सोल्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो ज़्यादा समय देना चाहते हैं वो भी, वो तो और इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।